तो फाइनली सेटअप हो गया दोस्तों, ठीक है। लुक के मामले में भाई 10/10 है, मतलब क्या प्यारा सा यार पूरा मोटो व्लॉग सेटअप लग रहा है, ठीक है। और उसी के साथ साथ दोस्तों जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है ना इसके साथ, कि ये जो हेलमेट है बहुत ज़्यादा लाइट है और ये जो GoPro है इसका थोड़ा सा वजन है, तो ये हेलमेट जो है अपने आप आगे की तरफ झुक रहा है। और उसी के साथ साथ दोस्तों बार बार ये ना अब आगे जा रहा है इसके वजन से। मैंने ना वाइजर जो है खोल लिया है, जो भी साउंड आपको सुनाई दे रहा है वाइजर खुलेगा ही साउंड है। और भाई मैं अभी थोड़े उबड़ खाबड़ रोड पे चला रहा हूं और ऐसा कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही दोस्तों, तो एक बार वाइजर बंद कर लेता हूं। ओके, तो दोस्तों अब जो आवाज आ रही है आपको, ये वाइजर बंद करने के बाद आवाज जो है आ रही है। तो दोस्तों अब आप मोटो व्लॉग सुन रहे हो स्टील बर्ड के SBA 20 विंग से, और जो इसका साउंड है कुछ ऐसा है, मुझे थोड़ा सा विंड नॉइस फील हो रहा है दोस्तों। अपने दोस्तों से कनेक्ट होता हूँ तो मेरे दोस्तों को फील होता है वो विंड नॉइस। फिलहाल अभी हम ट्रैफिक में चला रहे हैं एंड आई होप जो क्वालिटी है वॉइस की वो ठीक ही आ रही होगी दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली आ गए हैं बाहर अपने इस मोटो व्लॉग सेटअप को चेक करने के लिए। और इस हेलमेट के साथ जब आप मोटो व्लॉग करते हो आपको कैसा साउंड मिलता है, कैसी क्वालिटी मिलती है और क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस होती है, उन चीज़ों के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोग इसको मोटो व्लॉग के लिए लेना चाहते हैं। तो फाइनली सेटअप हो गया दोस्तों, ठीक है। और भाई लुक देख लो, लुक के मामले में भाई 10/10 है, मतलब क्या प्यारा सा यार पूरा मोटो व्लॉग सेटअप लग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं इसको पहनता हूँ एंड उसके बाद बाइक राइड करते हैं, एंड जो भी एक्सपीरियंस होता है दोस्तों ऑन द गो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो पहले पहनते हैं इसको। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसको पहन लेता हूँ अब, और भाई पहन लिया है। ओके, हाँ जी। तो दोस्तों फाइनली इसको पहन लिया है, और आप अच्छी चीज कहोगे या बुरी करोगे, ये जो हेलमेट है काफ़ी लाइट है, जैसे कि आप जानते हो ये डेली कम्यूट के लिए है हेलमेट, ठीक है। तो काफ़ी लाइट दिख जाता है आपको, और उसी के साथ साथ दोस्तों जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है ना इसके साथ, कि ये जो हेलमेट है बहुत ज़्यादा लाइट है और ये जो GoPro है इसका थोड़ा सा वजन है, तो ये हेलमेट जो है अपने आप आगे की तरफ झुक रहा है। तो इनकेस अगर आप मोटो व्लॉग सेटअप करते हो तो ये ना आगे की तरफ झुकेगा, ये एक चीज़ मुझे पहनते के साथ ही फील हो गई है। बाकी क्वालिटी वगैरह कैसी होती है ये ऑन द गो जाके पता चलेगी। और उसी के साथ साथ दोस्तों बार बार ये ना अब आगे जा रहा है इसके वजन से। पैडिंग जो है जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी सी लाइट है, ये GoPro के वजन से थोड़ा सा नीचे जा रहा है बार बार ही, ठीक है। अब क्या करते हैं, बाइक चलाते हैं एंड फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस आपको मिलता है। तो अब मिलते हैं आपको सीधा मोटो व्लॉग सेटअप पे। तो दोस्तों चलाते हैं अपनी बाइक को और बताते हैं आपको क्वालिटी कैसी आती है। और भाई अभी मैंने ना वाइजर जो है खोल लिया है, जो भी साउंड आपको सुनाई दे रहा है वाइजर खुलेगा ही साउंड है, ठीक है। और अभी बाइक की स्पीड है 40, और जो क्वालिटी आ रही है भाई देख ही सकते हो आप, GoPro Hero 8 की क्वालिटी भी जो है काफ़ी अच्छी है दोस्तों। एंड अगर आप एडिट वगैरह कर लेते हो अच्छे से तो आपको बहुत बढ़िया आता है। बाकी मैं इसको ऑफ रोड पर इसलिए चला रहा हूँ दोस्तों ताकि मुझे ये पता चल सके कि भाई ये हिलता है या नहीं हिलता है। तो ऑनेस्टली दोस्तों ये होता है कि जब इस पर आप GoPro लगा देते हो तो अफकोर्स ही बात है इसको ये आगे की तरफ थोड़ा झुक जाता है, क्योंकि जो हमारे हेलमेट का जो वजन है वो थोड़ा लाइट है और GoPro का जो वजन होता है थोड़ा सा हाई होता है, तो ये आगे की तरफ झुक जाता है। लेकिन यस, आपको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर आप इसके साथ मोटो व्लॉग करते हो तो। और भाई मैं अभी थोड़े उबड़ खाबड़ रोड पर चला रहा हूँ और ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही दोस्तों, आराम से मैं चला पा रहा हूँ उसको। तो स्टेबिलिटी की बात करें दोस्तों तो ओके ओके है, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं आ रहा है स्टील बर्ड हेलमेट के साथ मोटो व्लॉगिंग करते हुए। अब थोड़ा इसको रोड पर चलाते हैं और थोड़ा हाई स्पीड में चलाएँगे। तो एक बार वाइजर बंद कर लेता हूँ। ओके, तो दोस्तों अब जो आवाज़ आ रही है आपको, ये वाइजर बंद करने के बाद आवाज़ जो है आ रही है। तो दोस्तों अब आप मोटो व्लॉग सुन रहे हो स्टील बर्ड के SBA 20 विंग से, और जो इसका साउंड है कुछ ऐसा है, और भाई हमारी जो स्पीड है वो है 70 फिलहाल, और थोड़ा हाई स्पीड पे जाते हैं बताते हैं आपको। तो भाई देख सकते हो विंड नॉइज़ कैसा आ रहा है, मुझे थोड़ा सा विंड नॉइज़ फील हो रहा है दोस्तों, एंड आई एम नॉट श्योर माइक में कैसा आ रहा हो। माइक में तो तभी पता चलेगा जब मैं इसको पोस्ट प्रोडक्शन देखूंगा। खैर आप लोग जज कर सकते हो कि आपको ये सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। जैसे कि दोस्तों मैं इस पर इंटरकॉम लगाता हूँ, अपने दोस्तों से कनेक्ट होता हूँ, तो मेरे दोस्तों को फील होता है वो विंड नॉइज़, क्योंकि जो कि मैं अगर एग्जॉर वगैरह में लगाता हूँ तो वो जो विंड नॉइज़ है वो फील नहीं होता है। तो इसके अंदर थोड़ा सा विंड नॉइज़ आता है, बाकी आप सुन ही सकते हो इस टाइम कोई भी एडिटेड नहीं है, ये ऑडियो बिल्कुल एडिट नहीं है, और जो साउंड आप देख सकते हो 70-80 पे आप जा रहा है। एंड ये है दोस्तों मोटो व्लॉग की क्वालिटी, एंड दोस्तों विंड भी है जो ना वो अच्छी खासी है और बढ़िया लग रहा है भाई, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगती है इस हेलमेट की, जो इसका स्मोक वाइजर है, इससे अगर आप सन में बाइक चलाते हो ना तो बहुत ही आप कह सकते हो प्लेजेंट सा व्यू आता है, और जो इसका व्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब जो आगे से फेस है बहुत ज़्यादा है।
सो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इसका साउंड कैसा लग रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है तो पूरे मोटो व्लॉगिंग गियर्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे वो हेलमेट हो या फिर गोप्रो हो या फिर माइक हो, सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक की जो स्पीड है वो भी डिसेंट स्पीड है, 60-70 में मैं आप क्रॉस कर रहा हूँ। और दोस्तों अगर आप 80-90 में चलाते हो तो यार हर हेलमेट में जो है विंड नॉइस आता है। मोटो व्लॉग करते टाइम हमेशा आपकी स्पीड 60-70 रहे तो आपको एक ऑप्टिमम जो है ना क्वालिटी मिल जाती है ऑडियो की, विच इज़ अ ग्रेट थिंग दोस्तों, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। तो रोड पे आ गए दोस्तों और थोड़ा सा भगाते हैं बाइक को, और भाई हाई स्पीड में ऐसी सी आवाज़ आती है इसकी कुछ। फिलहाल अभी हम ट्रैफिक में चला रहे हैं एंड आई होप जो क्वालिटी है वॉइस की वो ठीक ही आ रही होगी दोस्तों, है ना। बाकी हम ट्रैफिक में आ गए, हमने खाली जगह पे भी चलाई, ऑफ रोड भी थोड़ा बहुत कर ही लिया एंड जो है टेस्ट बढ़िया है। दोस्तों ये जो हेलमेट है बेसिकली इज़ मेड फॉर सिटी राइड और थोड़ा हल्का इसीलिए है। बाकी जो भी था क्वालिटी वगैरह मैंने आपको सुना दिया है एंड आई होप ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव रहा हो आपके लिए। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।